गुजरात के वडोदरा में गणेश प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते समय दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफा से जमकर पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है और FIR भी दर्ज की है। आपको बता दें, घटना वडोदरा के मांडवी के पास पानी गेट इलाके की है, जहां दो पक्ष आपस में उलझ गए। वहीं पुलिस के मुताबिक देर रात कुछ लोग गणेश प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे। इसी समय इन लोगों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स ने दूसरे को पत्थर मार दिया। एक पत्थर के पास से निकल रहे दूसरे समुदाय के शख्स को लग गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं इससे पहले रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में हिंसक घटनाएं हुई थी। नई दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर दो गुटों के बीच में झड़प हुई। वहीं राजस्थान, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर कई शहरों में हिंसा भड़की थी। वहीं कई मौके पर पथराव और गोलाबारी की वारदात भी हुई, जिससे कई लोग घायल भी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।